रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इन बैन और नॉट, मैं याद रखिएगा जब स्पॉट के हिसाब से टिप्पणी कर रहा हूँ, जो लोग डिलीवरी के लिए काम करते हैं, डिलीवरी के परस्पेक्टिव से मानस, अब ये BHEL का जो आउटलुक है वो कौन से रेंज का बन रहा है? 163 इस दौर की सारी सप्लाई जो कि मेरे ख्याल से 7 सितंबर के आसपास का जो स्विंग हाई था करीब 145-150 का, वो तो एब्जॉर्व कर लिया इसने इस बार। आपने LNT पे कॉल भी दी थी इसलिए मैं BHEL का प्रश्न आप पर दाग रहा हूँ। आपका इस पर व्यू और पोजिशनल परस्पेक्टिव से दिसंबर का आउटलुक क्या कहता है? परस्पेक्टिव से ही आपको अब लेना पड़ेगा BHEL में, क्योंकि एक जो मूव था 125 रुपए से 163 रुपए तक वो ऑलरेडी हमने देख लिया है। लेकिन पोजिशनली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, रिवर्सल के साइन देखने को ऑलरेडी मिले हुए हैं। मेरा समझना है कि जो अब नई रेंज होगी वो 190 से 195 की होगी। थोड़ा क्वांटिटी अभी खरीद लीजिए और थोड़ा जब करेक्शन देखने को मिले तो 155-160 की रेंज में जब स्टॉक आए तो वहां पर खरीदारी करिए, 149 का स्टॉप लॉस लगाइए। मेरा समझना है कि शायद 149 एक सेफ स्टॉप लॉस होगा, लेकिन आपको जो पोजिशनल टारगेट है आने वाले 3 से 4 हफ्ते के लिए वो 190-195 की रेंज में रखने हैं।